दोस्तों स्वागत है आपका डेली स्टडी मैटर में। मैं हूं अरुण और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मोटर की घूर्णीय गति अथवा वाहन की घूर्णीय गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो उत्तर है टेकोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिवता मापी जाती है? तो उत्तर है गीगर मूलर काउंटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो उत्तर है ऑक्टेन संख्या द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, धूप चश्मों के लेंस किस प्रकार के कांच से बने होते हैं? तो उत्तर है क्रुक्स कांच द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? तो उत्तर है कार्बन के अपर रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो उत्तर है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? तो उत्तर है एथिलीन का। नेक्स्ट प्रश्न, वायुयान की ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? तो उत्तर है हीलियम गैस। अगला प्रश्न है कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो उत्तर है क्लोरीन द्वारा। अगला प्रश्न, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर है सल्फेनिक अम्ल। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? उत्तर है डायबिटीज मधुमेह। अगला प्रश्न, पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? तो उत्तर है सेलुलोज की। अगला प्रश्न, काली मौत किसे कहते हैं? तो उत्तर है प्लेग को काली मौत कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो इसके लिए उत्तर है 21 वर्ष। अगला प्रश्न है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, फिर आत्महत्या की थैली उसको बोलते हैं? उत्तर है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? तो उत्तर है यकृत। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई वोल्टेज को कम या ज्यादा करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उत्तर है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? तो उत्तर है रेबीज का। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं? तो उत्तर है हेलोफाइट। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है? उत्तर है एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। अगला प्रश्न है कि भाई एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो उत्तर है पवन वेग का, वायु की गति का। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो उत्तर है प्रमस्तिष्क।